पीएम मोदी के न्यू इंडिया में विकास के पैमाने बदल गए। इंडिया वाइब्रेंट हो रहा है। देश भर में पक्की सड़कों का जाल मजबूत होता जा रहा है। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही परिवहन पर मोदी सरकार का अहम फोकस रहा है। लक्ष्य पूरे करने की दिशा में भारत में हाईवे निर्माण और विस्तार 2018-19 में 10,000 किलोमीटर को पार कर गया है। ये संबंधित वित्त वर्ष में 30 किलोमीटर प्रतिदिन बैठता है, जो 2014-15 के 12 किलोमीटर प्रतिदिन से दोगुने से भी ज्यादा है। दरअसल 31 मार्च 2017 को कुल राजमार्ग नेटवर्क 1,14,000 किलोमीटर था, जो देश भर की सड़कों की लंबाई 58,98,000 किलोमीटर का करीब 2% बैठता है। वही 2019 के आर्थिक सर्वेक्षण डेटा के मुताबिक ग्रामीण सड़कों की लंबाई की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, जो करीब 71% है। आपको बता दें कि सड़क सेक्टर में निवेश बीते 5 साल में 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। बीते 5 साल में जिन अहम परियोजनाओं पर काम हुआ, उनमें ईस्टर्न पेरिफेरल, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और धौला सादिया ब्रिज शामिल है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए किया गया। राजमार्ग सेक्टर की रफ्तार में बढ़ोतरी ही वो वजह है कि आज देश के दूर सुदूर इलाकों से भी बसें राजधानी का सफर कर रही है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। वक्त के साथ कर्नाटक का नाटक अपने चरम पर है। गठबंधन के बूते चल रही कांग्रेस की कुमारस्वामी सरकार अब अल्पमत में है। कांग्रेस और जेडीएस के 14 विधायकों के इस्तीफे के बाद एक निर्दलीय विधायक ने भी मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपना समर्थन वापस ले लिया। यानी कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की साथ में सरकार चलाने की रही सही उम्मीदें भी अब मटियामेट हो गयी। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस अब भी कर्नाटक में सरकार को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 21 मंत्रियों ने कुमारस्वामी सरकार से इस्तीफा दे दिया, जिससे बागी विधायकों को मंत्री पद देकर मनाया जा सके। लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए बागी विधायक मानने के मूड में नहीं दिख रहे। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कर्नाटक में अपने 105 विधायकों को इकट्ठा कर लिया है, जिससे कांग्रेस और जेडीएस उन्हें कोई लालच देकर अपने पाले में न कर पाए। साथ ही बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा ने भी कहा है कि हम कोई सन्यासी नहीं जो सरकार न बनाए। मतलब संकेत साफ है, कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी सहित अब कर्नाटक की जनता को भी इंतजार है कुमारस्वामी के इस्तीफे का। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के फेर में फंसकर कांग्रेस अब दो हिस्सों में बंट गई है। युवा और वरिष्ठ की लड़ाई ने कांग्रेस को ऐसे बांटा कि अब एक के बाद एक इस्तीफों की बौछार आई है। सिंधिया के इस्तीफे के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की युवा शान सचिन पायलट भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पायलट के इस्तीफे की खबर इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट में भी तल्खियां जग जाहिर हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत, अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेताओं का गुट है जिनकी गुटबाजी और खेमेबाजी की वजह से ही कांग्रेस को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। राहुल भी हर मामले में इन वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से नाराज हैं। राहुल कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा युवाओं के हाथों में कमान चाहते हैं, लेकिन पार्टी के इस वरिष्ठ वर्ग ने कई फैसलों में अपनी टांग अड़ाकर राहुल के मन को काटा है। इसलिए बहुत हद तक ये मुमकिन है कि अब सचिन पायलट भी इस्तीफा देकर राहुल के साथ खड़े नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार ने अपना बहुमत गंवाया तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की धड़कनें तेज हो गई। दिग्विजय सिंह की रातों की नींद उड़ गई है और दिल्ली में बैठे कमलनाथ के करीबी और दोस्त मोतीलाल वोरा, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। वजह शिवराज सिंह चौहान का बयान। शिवराज सिंह चौहान ने ये बात खुलकर कह दी कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। कमलनाथ की जुगाड़ वाली सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान से खलबली मचा दी। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान से खलबली तो मचनी ही थी और मची भी। संकेत इस बात के साफ हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर बदलने वाली है। एमपी की 230 सीटों में कांग्रेस के पास 114 सीट है तो बीजेपी के पास 109। कमलनाथ बीएसपी और एसपी के एक एक विधायक और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ सरकार चला रहे हैं। अगर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावे सही निकले तो कमलनाथ की सरकार गिर सकती है। दिल्ली में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का संकट ज्यादा गहरा हो गया है। भोपाल दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं है। कांग्रेस में हर स्तर पर गुटबाजी है। नए अध्यक्ष के चुनाव का हो मामला या फिर राहुल गांधी के करीबियों को निपटाने की कोशिशों का, युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच की खाई हो या फिर कोई दूसरा मामला, संकट चौतरफा है। ऐसे में अगर कमलनाथ की सरकार कुर्बान होती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन के सहारे सत्ता के ख्वाब देखे जा रहे हैं। कभी लोकसभा चुनाव में सम्मान न मिलने के नाम से अलग हुए चाचा शिवपाल यादव अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भतीजे अखिलेश से गठबंधन की बात करते दिख रहे हैं। रविवार को फिरोजाबाद में एक पत्रकार वार्ता के वक्त शिवपाल यादव ने गठबंधन की बात कही, लेकिन साथ में ये भी कहा कि गठबंधन तभी होगा जब अखिलेश खुद उनके पास गठबंधन के लिए आएंगे। शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया। लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने मैनपुरी सीट छोड़कर सभी सीटों पर सपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि शिवपाल यादव की तरफ से सपा से गठबंधन की बात तब कही गई है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सपा और शिवपाल के साथ जाने की संभावनाएं और तेज हो गई हैं। उम्मीद भी यही की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन के बाद मिले जख्म को चाचा शिवपाल भरने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, कभी मोदी को हराने का सपना देखने वाले पहले खुद लड़े, फिर टूटे और अब फिर एक साथ जुड़ने की दौड़ तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटक में अब तक कांग्रेस के 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। माना यह जा रहा है कि कुछ और विधायक इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। लेकिन विधायकों के कांग्रेस छोड़ने की घटना सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि 5 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। गोवा से लेकर गुजरात तक और महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक कांग्रेस विधायकों में खलबली मची है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस का संकट सिर्फ ऊपरी स्तर पर नहीं गहराया बल्कि कई राज्यों में अस्थिरता का माहौल बना है। हर कहीं झगड़े हैं, मनमुटाव है और पाला बदलने की तैयारी। बीजेपी फिलहाल कोई मौका नहीं चूकना चाहती और वो आक्रामक है और कांग्रेस को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो करेगी तो क्या। कर्नाटक में सरकार बचने के आसार बेहद कम हैं और सूत्र बताते हैं कि कर्नाटक सरकार गिरने के साथ देश भर में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले विधायकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह विधायकों में असुरक्षा का अभाव है जो राहुल गांधी के इस्तीफे के साथ और ज्यादा गहरा गया है। इन्हीं वजहों से तेलंगाना में कांग्रेस के 12 विधायक टीआरएस में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में तो विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ही कांग्रेस छोड़कर चले गए। बंगाल में भी कांग्रेस के विधायक बीजेपी के साथ हो लिए। गोवा की बीजेपी सरकार में कई मंत्री कांग्रेस से आए हैं और संभावना है कि 2 और विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करने के बाद कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।